बुलेटिन से एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और उनकी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के मेकर्स के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस लगाया है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी तनुश्री दत्ता के बारे में काफी ज्यादा गिरे हुए बयान दिए हैं। तुम वो सिगरेट खाली करके उसके अंदर से तंबाकू निकाल के उसके अंदर जो मसाला भर रही थी, कौन भर रहा था वो मसाला ग्रीन कलर का, और बाद में तुम लेती थी उसे, क्या वीड कहते हैं मुझे नहीं पता। इनफैक्ट रीसेंट इंटरव्यू में राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता को लेस्बियन तक कह दिया। राखी सावंत ने ये तक कह दिया कि तनुश्री दत्ता औरत है ही नहीं और उन्होंने राखी सावंत का रेप किया है। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। सिर्फ रेप आदमी नहीं करता है, तनुश्री दत्ता ने भी किया है मेरे साथ, मेरे उन पार्टों को, प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अब इन्हीं सब इल्जामात के खिलाफ तनुश्री दत्ता ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां उन्होंने बताया, मैं एक ड्रग एडिक्ट नहीं हूं और ना ही मैं स्मोक या ड्रिंक करती हूं और मैं लेस्बियन बिल्कुल नहीं हूं। इनफैक्ट मैं इस पैट्रियार्कल सोच के खिलाफ एक मजबूत औरत हूं, इसीलिए इतने घटिया और अश्लील इल्जाम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही मुझे चुप करा सकते हैं, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे सीरियस मूवमेंट का जोक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये पहल हमारे समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अब राखी सावंत इस पर क्या कहेंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।